एक घर के बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना की याद दिला दी और यहां भी मरने वालों की संख्या 3 लोग जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, जिनकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में हाहाकार मच गया है। जयपुर में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना, मौत लेकर आई आफत की बारिश, बिहार के 3 लोगों की डूबने से मौत। दिल्ली के राउज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई दर्दनाक घटना की भयावह तस्वीर अभी लोगों के जहन से निकली भी नहीं थी कि जयपुर में ठीक इसी तरह हुए हादसे ने दिल्ली की दर्दनाक घटना की धुंधलित होती तस्वीर को फिर से साफ कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, ठीक उसी तरह से जयपुर में भी बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत से हाहाकार मच गया। बुधवार की रात शुरू हुई आफत की बारिश सुबह होते होते 3 लोगों के मौत का कारण बन गई। घटना जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की है, जहां तेज बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में पानी सुबह 4 बजे भरा, जब लोग बेखबर होकर सो रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि वहां से निकलने का मौका तक नहीं मिला और 3 लोग उसी पानी में काल के गाल में समा गए। ये जो मकान है करीब 8 सीढ़ी 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है, इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैप देखिए, आप हाथ से वो समझ सकते हैं, हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी की यहाँ पर बने हुए थे, ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। हादसे में मरने वालों में 2 लड़कियां और 1 लड़का था और ये तीनों बिहार के आरा जिले के बिहिया के रहने वाले थे। तीनों के नाम पूजा, पूर्वी और कमल था। जानकारी के मुताबिक जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ तो कमल ने वहां मौजूद 7 लोगों को पानी से निकाला, लेकिन जब खुद वहां से निकलने की बारी आई तो पानी ने उसके निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और आखिरकार वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। लगातार उनको हमने सचेत किया और कॉलोनी वालों भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी, कुछ नाला साफ कुछ हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हुआ। खुल के बताइए, क्या प्रशासन नाले को पूरी तरीके से साफ कर चुका था, नहीं कर चुका था? नहीं, उसमें क्या है, दो पक्ष रहते हैं। क्या है कि नाला कुछ साफ तो हुआ ही है, लेकिन कुछ रह भी गया, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं। जो ये नाला इतना छोटा सा हो गया है, पीछे आते आते कुछ उसमें पानी निकल चुकी। घटना के बाद मौके पर पहुंची बचाव टीम ने तीनों के शव को बाहर निकाला, तब जाकर तीनों की पहचान हो पाई। वही जयपुर में हुई इस घटना से आरा में मौजूद उनके परिजनों में चीख पुकार मच गई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि हाल में दिल्ली में हुई घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया? जब इतनी भारी बारिश हो रही थी तो क्या किसी को अनुमान नहीं लगा कि बेसमेंट में पानी भरने से हादसा हो सकता था, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? दिल्ली में हुई घटना में मरने वालों में भी एक बिहार की युवती थी और यहां तो मरने वालों में तीनों बिहार के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जयपुर के ध्वज नगर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बारिश में ऐसे संकट की असली वजह पिछली सरकार है, जिसमें पानी की निकासी और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे ही सरकार बदली, हमने इस दिशा में काम शुरू किया है, लेकिन सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। करना चाहिए था, सफाई करनी चाहिए थी, प्रेपरेशन करनी चाहिए थी, नहीं। यहाँ जो है वो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उचित नहीं है। अब हमारी तो जैसी सरकार आई, मैंने जैसा आपको बताया, उसी समय हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी। बीच में आचार संहिता आई, उस समय थोड़ा रुक गया। जैसी वो हटी, हम लोगों ने कुछ काम तो आपने देखा, सीकर रोड पे जो पानी भराव की समस्या, उसमें तो हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। बहुत सारे रोड्स के काम चल रहे हैं, लेकिन अब मानसून में आप नहीं कर सकते। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लोगों की फरियाद सुनी।
मंत्री संतोष सिंह ने तेजस्वी प्रसाद यादव के 15 अगस्त के बाद बिहार में यात्रा को लेकर हमला बोला। संतोष सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद समस्या है, दूसरों की समस्या क्या दूर करेंगे। वहीं राहुल गांधी के जाति को लेकर मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की जनता को बताएं कि किस जाति में है और किस धर्म को मानते हैं। श्री के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अब तेजस्वी अपने आप में खुद ही समस्या है, दूसरों की समस्या क्या समाधान करेंगे। वो अपनी समस्या का समाधान करने में लगे हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं। वो अपने पिताजी की समस्या के समाधान के बारे में, अपनी माताजी के समस्या के समाधान के बारे में, अपनी बहन की समस्या के समाधान के बारे में और खुद अपने समाधान अपने समस्या के समाधान के बारे में लगे हैं। वो झूठ मूठ का ये नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। जाति को लेकर ये तो बिल्कुल बात सही है। अब राहुल गांधी जी को अपनी जाति का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, चूंकि इस भारत में रहना है तो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि राहुल गांधी, चूंकि उनकी मामा गांव इटली का है और इटली में पता नहीं किस जाति में है, वहां हिंदू रहते हैं नहीं रहते हैं भगवान जाने, या किस जाति के लोग रहते हैं। तो अच्छा होगा कि इस देश की जनता को राहुल गांधी अपने जाति का सर्टिफिकेट दे दें, बता दें कि हम इस जाति में हैं और इस धर्म को मानते हैं। जाति और जातीय गणना को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने जातीय गणना से पहले राहुल गांधी से उनकी जाति और उनके धर्म बताने को कहा है। जीवन कुमार ने कहा है कि देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, उनका धर्म क्या है, वो हिंदू है या मुस्लिम है। आ गया है कि भाई राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी चाहिए कि किस जाति के। इंडिया गठबंधन इस डिबेट को पूरे देश में छेड़ दिया है कि भाई जाति को लेकर आगे हमको कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। क्योंकि बचपन में हमें ये बताया गया, हम लोग तो सनातनी परिवार से आते हैं, कि भाई जब आपके दादाजी और आपके उनके दादाजी जब हिंदू थे तो हम भी हिंदू हुए, और उस हिसाब से यदि कोई मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो भी मुस्लिम हुए। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई वो मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं। ये पूरा समाज को जानने का अधिकार भी है, आम पब्लिक में चर्चा का विषय बन गया है। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मनोज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब जातीय गणना करवाई उस वक्त वो महागठबंधन में थे। दलित पिछड़ों की मांग के मुताबिक नीतीश कुमार ने गणना करवाई, उसी तर्ज पर पूरे देश में जातीय गणना केंद्र सरकार कराए। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से, मनोज जी पार्लियामेंट के भीतर जाति को लेकर के संग्राम जिस तरह से चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना को लेकर के उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सासाराम से आता हूँ और बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना कराया और जातिगत जनगणना कराया उस समय वो इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, और उन्होंने करा करके जो लोगों का मांग था, दलित पिछड़ों का मांग था बिहार में, उसको उन्होंने पूरा किया। अब उसी तर्ज पर हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग भी सदन में हैं, लोकसभा में हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और उसी तर्ज पर आप पूरे देश का जातिगत जनगणना कराइए। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप भी, कहने का मतलब देश का ये मांग है, जातिगत जनगणना जो है दलित पिछड़ा बैकवर्डों का मांग है। और लोकसभा में रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद ने रेलवे के 2,62,200 करोड़ रुपए के बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, इसके लिए भी बीजेपी सांसद ने आभार जताया। इतिहास में पहली बार भारतीय रेल के विकास के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को, केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी
एवं केंद्रीय रेल मंत्री परम आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को 8 करोड़ मिथिला वासियों के और बिहार वासियों के तरफ से, देशवासियों के तरफ से बधाई और धन्यवाद देता हूं। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप कुमार जायसवाल का किशनगंज में भव्य स्वागत किया गया। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर जाति और धर्म में बांटने की साजिश का आरोप लगाया। जायसवाल ने कहा कि हमारा बस चले तो विपक्ष को खत्म कर अपने में मिला लो। इस देश को कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर आज 70-75 साल तक समाज में बीज जहर का बोने का काम, जहर का बीज बोया है। और कांग्रेस को और महागठबंधन जो हिंदी गठबंधन है उसको लगता है कि समाज को जब तक बांट कर नहीं रखेंगे तब तक उसकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलेगी। दिलीप जायसवाल का नाम ही है समन्वय। हमारा बस चले तो सभी विरोधी दल को भी हम अपने पार्टी में मिला देंगे, क्योंकि जब इंसानियत और मानवता की राजनीति शुरू होगी तो कांग्रेस राजद और इस तरह के लोग जो समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने मुख्यमंत्री परिवहन योजना से सभी वर्गों के लोगों को मदद मिल रही है। इस योजना में चाहे किसी भी जाति या वर्ग से हो सभी को काम मिल रहा है। सरकार सभी को छूट दे रही है। बिहार में 3,600 बसें आई। परिवहन विभाग जनता के लिए समर्पित है। हर जिले में CNG की बस चल रही है। 7 लोगों को जो सभी सामान्य वर्ग को, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक सभी को मिलेगा और उसमें सरकार 5 लाख तक की छूट भी देगी। इसके लिए 3600 बस आया है यहाँ बिहार से और सभी जगह दिया जाएगा ताकि आम जनता के लिए, परिवहन विभाग जो होता है निरंतर आम जनता के लिए काम करता है और बिहार का रीढ़ होता है। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण पर दिए अपने फैसले में राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति दी है। इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सब कैटेगरी या सब कोटा बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया है। जजों ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जरूरत के मुताबिक सब कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। अपना फैसला सुनाते हुए एक जज ने उदाहरण भी दिया। जज ने कहा कि यह पूरी व्यवस्था एक ट्रेन की बोगी की तरह है। जो व्यक्ति बोगी में घुसने में सफल रहता है तो बाकियों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। दूसरे दिन भी कोचिंग संस्थान बंद रहे। 80% कोचिंगों में ताला लटका रहा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। प्रशासन ने 1 महीने का समय दिया है। जांच अभियान के डर से कोचिंग बंद कर दी गई है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं वो खुद से बंद कर रहे हैं कोचिंग। जिन कोचिंग संस्थानों में कमियां पाई गई हैं वो भी बंद कर रहे हैं। गुरु रहमान ने भी कहा है कि 1 महीने बाद नहीं बदल पाएगी व्यवस्था। पटना में 3,000 कोचिंग की जानकारी सिर्फ जिला प्रशासन को है जबकि पटना में संचालित हो रही है 20,000 कोचिंग संस्थान। तो राजधानी पटना में दूसरे दिन भी कोचिंग संस्थानों में ताला लटका रहा और जिला प्रशासन की जांच का असर दिख रहा है। ये भिकना पहाड़ी नया टोला मुसल्लापुर इलाके में 80% कोचिंग बंद रहे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी छात्र नजर नहीं आ रहे। गुरु रहमान की माने तो जिला प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार को लेकर 1 महीने की मोहलत दी है लेकिन वैसे संस्थान जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिन्हें जांच का डर है उन्होंने संस्थान बंद कर दिया है। गुरु रहमान से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में कोचिंग जांच अभियान लगातार जारी है। इस बीच जिलाधिकारी ने कल कोचिंग संचालकों के साथ बैठक भी की थी।
लेकिन जो कोचिंग मापदंड पर खड़ा नहीं उतर रहा है उसने कोचिंग में ताला लटका दिया है। राजधानी पटना के विखना पहाड़ी, नया टोला, मुसल्लहपुर समेत कई इलाकों में अधिकतर कोचिंग आज बंद कर दिए गए हैं। आखिर कोचिंग बंद की वजह क्या है, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान है, क्या लग रहा है सभी कोचिंग बंद कर दिए गए? देखिए, कल ढाई घंटा का रिग्रेस मीटिंग था, मैं वहां था वहां खुद पर, तो स्पष्ट रूप से माननीय डीएम सर और सीनियर एसपी और एजुकेशन ऑफिसर और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सबने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग एक महीना के अंदर अपना मानदंड पूरा कीजिए। लेकिन स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया कि जहां 150-200 की कैपेसिटी है वहां पर आप लोग 700-800 बोरे से कोच के सीढ़ी पर बिठाते हैं, अगर इस तरह का काम होगा तो हम लोग बक्सेंगे नहीं। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे कोचिंग अपना फैशन बना लिए हैं कि हम 200 का कैपेसिटी है उसमें 700-800 बैठाते हैं, टीचर का चेहरा तक छात्र नहीं देख पाता है, तो वो लोग बंद किए हैं। प्रशासन ने उनको किसी को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग मंडी है, उस बीच में आप हैं, क्या मानते हैं कितनी संख्या होगी? पूरे पटना जिला कह रहे हैं 20,000 से कम नहीं है, हर गली में एक मकान छोड़ के कोचिंग है। लग रहा है कि ताला बंद हो सकता है एक महीने बाद कई कोचिंग में। अब निश्चित रूप से अगर इस तरह के गलत जो मानदंड पूरा नहीं करेंगे तो कोचिंग में ताला लग सकता है। बिल्कुल, गुरु रहमान ने बड़ा बयान दिया है कि जिला प्रशासन ने अभी किसी भी कोचिंग को सील नहीं किया है, ना ही कोई आदेश जारी किया है, एक महीने की मोहलत दी गई है, लेकिन कोचिंग संस्थान अगर मापदंड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज से ही वो ताला लटका दिए हैं। हालांकि देखना यह होगा कि एक महीने के भीतर राजधानी पटना के जो 20,000 आंकड़े बताए जा रहे हैं कोचिंग संस्थानों के, उनमें से कितने कोचिंग संस्थान जिला प्रशासन के मापदंड यानी कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत खुल पाते हैं या बंद हो जाते हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में बारिश की स्थिति अगले 3-4 दिन में और बेहतर होगी। मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान पटना समेत सभी जिलों में गरज के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। जमुई और नवादा जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों के इस दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। आपको बताएं कि कल बिहार में बारिश के बीच ठनका गिरने से 13 लोगों की मौत हुई थी। जहानाबाद में 4, छपरा में 3, नालंदा में 2, रोहतास में 2 और गया में, औरंगाबाद में 1-1 लोगों की मौत हो गई थी। तो कल बिहार में 13 लोगों की मौत हुई थी ठनका के गिरने से, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई। बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग की ओर से चयनित 1,275 सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 10 अगस्त तक चलेगी। इसकी जानकारी डीआईजी कार्मिक रंजीत मिश्रा ने दी है। नियुक्ति पाने वाले सभी अब सब इंस्पेक्टर को उनके गृह जिला के डीआईजी ऑफिस में जाकर जरूरी 11 डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा, जहां आगे की कार्रवाई करने के बाद इन सभी को अगले आने वाले 10 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों के नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके और पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के वेयर हाउस का ताला तोड़कर चोरों ने टूरिस्ट ट्रॉली बैग की चोरी कर ली है। गोदाम प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने करीब 33 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच की जा रही है। 24 को अपना गोदाम खोले तो पाए कि इसमें से फ्लाई कंपनी एवं अमेरिकन टूरिस्टर कंपनी के ट्रॉली बैग एवं सूटकेस एवं बैकपैक जो है वो गायब हैं, और इनके द्वारा लिखा गया है कि 30-35 लाख की चोरी होने का अनुमान है। सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा गया? ये अभी तक घटना के 3 दिन बाद तक ये नहीं बता पाए हैं कि कितना पीस ये बैग और ये चोरी हुआ है।
पटना में वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी नगर निकायों के मेयर, विधान पार्षद और 8 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे। साथ ही देश भर में वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर काम कर रहे एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ताकि वह अपना अनुभव शेयर करें और बिहार में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा सके। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।